वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन बीकॉम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, बीकॉम सेकेंड ईयर, और ये बुक है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। EFM की बुक है ये, और आपके बीकॉम सेकेंड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आती है। तो इसमें से आज अपन एक चैप्टर उठाएंगे और वो चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। पहले तो आपको मैं बता दूँ इसके ये जो कंटेंट्स है, इसमें से मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि आपको इनमें से कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, जिससे क्या हो सके आपको वो क्वेश्चंस, उस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, क्योंकि पूरे चैप्टर्स होना इस पॉसिबल नहीं होता, और रही बात पूरे चैप्टर आते भी नहीं हैं। तो आपको देख लो कि चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक फर्स्ट यूनिट में है, ठीक है। ये क्या है, अगर आप थ्योरी करके जाते हो तो आप बेस्ट रहेगा इसमें। इसमें प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत कम आता है। तो यूनिट फर्स्ट में से हमेशा थ्योरी ही आती है, तो थ्योरी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, सेकंड यूनिट में आता है रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। इसमें से मैं आपको बोलूँगी आप रेशियो वाला एक चैप्टर कर लीजिए, और कैश फ्लो फंड फ्लो करने की ज़रूरत नहीं है, बट रेशियो का भी आप पूरा चित्र करिए, ठीक है। तो इसमें से आप एक रेशियो कर लीजिए, और इनमें से आप है ना एक थ्योरी कर लीजिए, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे आप एक थ्योरी इसके कर लीजिए, रेशियो में आप उसके प्रैक्टिकल करिए जितना हो सके, ठीक है। अब यूनिट सेकंड की बात हो गई है, अब यूनिट थर्ड की बात की जाए तो मैं प्रीफर करूँगी चैप्टर सेवन, क्योंकि चैप्टर सेवन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कोर्स अकाउंटिंग में भी आपका एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से, और यहाँ है ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम पर। ये दोनों चैप्टर क्या है, सेम है। अगर आप एक चैप्टर ये कर लेते हो तो आपके दो बेनिफिट होते हैं, आप यहाँ भी इस बुक में भी इस पेपर में भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और दूसरे वाले पेपर में भी इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो। अगर आप ये कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन ये चैप्टर सेवन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यूनिट फोर की बात की जाए तो यूनिट फोर में हमेशा वर्किंग कैपिटल से एक क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज़ वर्किंग कैपिटल को आप इग्नोर मत करना, और इसके इलस्ट्रेशन ज़रूर करना, ठीक है। और ये हो गई फोर्थ यूनिट की बात हो गई। अब यूनिट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, जो लास्ट यूनिट होती है। इसमें आपकी क्या है, एक मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, एक आपकी डिविडेंड पॉलिसी है, एक कैपिटल बजटिंग है। ये तीन चैप्टर है, तो ये तीन चैप्टर में से लगभग ये दो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से आप कैपिटल बजटिंग कर लीजिए, और उसके बाद टाइम बचे तो डिविडेंड पॉलिसी ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बताया कि आपको एक रेशो वाला चैप्टर कंप्लीट करना है प्रैक्टिकल में, एक BEP कंप्लीट करनी है, एक वर्किंग कैपिटल कंप्लीट करनी है। ये तीन चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, और एक फर्स्ट यूनिट से एक थ्योरी कर लीजिए, आपके चार क्वेश्चन इजीली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और इसमें अपन देखेंगे कि आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, सेल्स कितनी है, वो सब कुछ अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये चैप्टर सेवन है, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये चैप्टर सेवन है तो इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन इलस्ट्रेशन में पहले ही बता रही हूँ कि इलस्ट्रेशन, यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 29, अगर आप इन इलस्ट्रेशंस को कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, या ओनली डिजिट चेंज मिलेगी। बस जो पैटर्न होता है क्वेश्चन आने का बीकॉम सेकंड ईयर में, वो इस टाइप का ही होता है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करना, ये इलस्ट्रेशन से ऊपर 29 तक, और क्वेश्चन है 1 to 8, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं करवाऊँगी, इसके अलावा भी करवाऊँगी, ठीक है। अब आपको ये भी बता दिया कि मैं क्या क्या करवाऊँगी, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, और आज अपन ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर एक रेशियो की तरह है, जिसे रेशियो में क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। इसी तरीके से ब्रेक इवन एनालिसिस में भी क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तभी आप ये चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, वरना आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके फॉर्मूले भी मैं बता देती हूँ, ये आपकी बुक का लास्ट पेज होता है, ठीक है। बुक का लास्ट पेज है ये, जिसमें आपको यहाँ लिखा हुआ है
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये यहाँ लास्ट पेज में क्या होते हैं, जितने भी चैप्टर है उन सब के है ना फॉर्मूलेज लिखे हुए होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले लिखना नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे एस का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। एफ का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होती है। पीडी का मतलब क्या होता है, डिजायर प्रॉफिट। ठीक है, पर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, डीपी लिखूंगी जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, पी का मतलब प्रॉफिट, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, एस क्यू का सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले है, तो आप प्लीज एक बार देख लेना, ये बुक के फॉर्मूले है। ठीक है, और मैं इन्हीं से ही करवाऊंगी वैसे, पर मैं अपने फॉर्मूले भी आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये सारे फॉर्मूलेज हैं आपके इस चैप्टर को। अगर आपको ये याद होंगे आप इजीली कर सकते हो। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है आपको समझाने में। ठीक है, अब यह देखिए, यह है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, और मैं आपको बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको, क्या आपको कैसे अप्लाई करना है उन फॉर्मूलेज को इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मैं अपने फॉर्मूलेज एक बार और आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से यूज़ में लूँगी, और आपको इनके थ्रू ही मैं बताऊँगी। जैसे ये है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये टेबल आ गई तो आप है ना इस चैप्टर को है ना 50% तो आप यहीं कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल देखिए सेल्स। सबसे पहले क्या आती है, सेल्स मतलब बिकाई, मतलब कितना सेल हुआ वो अमाउंट, उसमें से लेस कर देती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे मटेरियल, लेबर, वेजेस की कॉस्ट आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाए, वेरिएबल ओवरहेड आ जाए, ये क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तब क्या आती है आपके पास, कंट्रीब्यूशन आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें या वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, दोनों एक ही होती है, तो आप किसी को भी वेरिएबल कॉस्ट मान सकते हो। लेस फिक्स कॉस्ट कर देंगे फिर आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ये हुई अमाउंट की बात, जब आपके पास अमाउंट गिवन हो। अब बात हुई यूनिट की, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट में आपको यूनिट गिवन होगी, तो यूनिट में से यूनिट लेस करेंगे तो सीपीयू आएगा, मतलब कॉस्ट पर यूनिट आएगा। आपको ये टेबल समझ में आ गई। ठीक है, अभी फॉर्मूलेज आप देख लीजिए, मैं इन्हें अभी नहीं समझा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे इन्हें समझाते जाऊंगी। जैसे एस का मतलब सेल्स होता है, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गए। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट बीपी। आपको क्या करना, कैलकुलेट करना ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट करना इन यूनिट, यूनिट में भी कैलकुलेट करना है और रुपीज में भी कैलकुलेट करना है, दोनों में कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करना है, और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इनमें से लगेगा। ठीक है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला इनमें से लगेगा। ठीक है, अभी बता दूँ कैसे लगेगा। ये टेबल याद है आपको, अभी इस टेबल का ही अपन यूज में लेंगे। देखिए, ठीक है, अब देख लो, सबसे पहले अपन टेबल में क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स में से लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्या आती है आपकी, कंट्रीब्यूशन आती है। ये क्या है आपका, जो मैंने टेबल दिखाई थी वही टेबल मैं यहाँ बना रही हूँ। लेस क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर क्या आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है। ये टेबल आपको याद होगी तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास सेल्स गिवन है, आपको सेल्स किस में गिवन है, एक तो अमाउंट में गिवन है, ठीक है, एक आपको क्या है, यूनिट में गिवन है, दो में आपको गिवन है। जैसे उसमें भी दो कॉलम थे, एक अमाउंट का एक यूनिट का। तो अब देखो, 1000 यूनिट, ठीक है, 20 लाख रुपीस। तो अमाउंट कितना है सेल्स का, 20 लाख रुपीस आपका सेल्स है। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का कितना है, 12 लाख रुपए। ये मैंने यहाँ 12 लाख लिख दिया। ठीक है, इसमें सेल्स में से लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 लाख बचेगा। कितना कंट्रीब्यूशन का, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, देखो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 4 लाख है। ये देखो, ये हो गई 4 लाख। तो इसे इसमें से ये लेस कर देंगे तो 4 लाख ये आपके आ गए। ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट कैसे होती है, 2 डिजिट में होती है, ठीक है, 3 डिजिट में भी हो सकती है, पर आपका कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 20 लाख है, 20 लाख को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से। देखो, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख,
20 रुपीज़, तो 20 क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 12 लाख और यूनिट कितनी है, 1 लाख रुपए। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो क्या हो गया, 12। तो यहाँ यूनिट कितनी हो गई, 12। तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीईपी पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट, यूनिट में पूछ रहा है, ठीक है। अब यूनिट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए बीईपी ये रहा, अगर आपको रुपीस में फाइंड करना है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ये मेरे फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये है यूनिट, अगर आपको यूनिट में फाइंड करना है तो आपका क्या लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू। आपने दोनों देख लिए, इस क्वेश्चन में रुपीस में भी पूछा है और यूनिट में भी पूछा है, तो अपन ये दोनों क्या लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ, सी अपॉन एस इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन एस इंटू 100, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप ये देखिए बीपी का, बीपी इन यूनिट में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, ये किसका होता है, यूनिट का। जब भी आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट के कॉलम में देखेंगे, ठीक है, पर फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स होती है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख रुपए। तो ये मैंने लिख दिया 4 लाख रुपए अपॉन सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट वो क्या है आपकी, ये इसे बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए, ठीक है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हो, अब इससे डिवाइड करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो 50,000 क्या हो गई आपकी, यूनिट आ गई ही बीपी की। समझ में आया कैसे, ये आपको एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, बीपी इन रुपीस, जब रुपीस में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट ऊपर रहेगा, पर यहाँ क्या आ जाता है, पीवी रेशियो, ठीक है। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखिए आप, ये फॉर्मूले इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फॉर्मूले याद करके फिर इस वीडियो को देखोगे ना, फिर आपको इजीली आपको आ जाएगा। तो C क्या है आपका, C क्या है 8, S क्या है 20 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 40%, आई थिंक, देखते करके, 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 40%, ठीक है। देखो पीवी रेशियो निकाल, आप किससे निकाला, आपने यूनिट के अमाउंट से निकाला, कंट्रीब्यूशन इसकी 8 ले ली, सेल्स इसका 20 ले लिया, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। ये एक मेथड ऐसा हो गया, पर एक मेथड एक ये भी होता है, सी अपॉन एस इंटू 100, फॉर्मूला यही है, बट अब इस बार है ना अपन क्या ले रहे हैं, इस बार अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन 8 लाख इसका ले लिया, सेल्स की ले ली, इंटू 100 कर दिया, आंसर तो 40% ही आएगा। अगर आप इसका अमाउंट लेते हो तो भी यही आएगा, इसका अमाउंट लेते हो तो भी यही आएगा। तो पीवी रेशियो आप कैसे भी निकाल सकते हो, यूनिट में भी निकाल सकते हो, अमाउंट में भी निकाल सकते हो, पर आंसर सेम आएगा। तो आप इसमें से कोई एक कर लेना, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 4 लाख डिवाइडेड पीवी रेशियो कितना है, 40%। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो कितना आ गया, 10 लाख, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया। तो ये बीपी इन यूनिट में देखो कितना आया, 50,000, ये आपका आंसर आ गया। बीपी इन रुपीस में कितना है, 10 लाख, तो ये 10 लाख आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपको निकालना है, एमओएस इन परसेंटेज, परसेंटेज में आपको एमओएस निकालना है। जब भी परसेंटेज में एमओएस निकालोगे तब उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो एमओएस इन परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ठीक है, किसमें निकालना है, परसेंटेज में, फिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका है 4 लाख, तो मैंने यहाँ 4 लाख लिख दिया। कंट्रीब्यूशन आपको कितना है, 8 लाख, तो मैंने यहाँ 8 लाख लिख दिया, इनटू 100, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, 50% आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है।